नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम जानेंगे गिरौदपुरी के बारे में। गिरौदपुरी ये वही जगह है जहां पर बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ है। यहां से थोड़े दूर पर बाबा जी का तपोस्थल है, तो वहीं चलते हैं। चलिए, तो अब हम पहुंच चुके हैं विशाल जय स्तंभ के पास जो गिरौदपुरी में बना हुआ है। देखिए दोस्तों, कितना विशाल जय स्तंभ बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, लगभग 143 फीट। ये है पचकुंडी कुंड, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ पर 5 कुंड है। अब हम जैत खाम के ऊपर में आ गए हैं। जैत खाम के ऊपर से देखिए दोस्तों, नीचे का नज़ारा कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आप भी जरूर एक बार घूमने आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम छाता पहाड़ की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, खूबसूरत जंगल के बीच में यह स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं छाता पहाड़ के पास। देखिए दोस्तों, यही छाता पहाड़ है जहां पर बाबा गुरु घासीदास जी तप करते थे। सैलानी यहाँ हमेशा घूमने आते हैं, और देखिए प्यारे प्यारे बंदर भी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जैत खाम दिख रहा है, वहीं पर बाबा गुरु घासीदास जी तप साधना करते थे। आइए दोस्तों, अब हम शेरखोल गुफा की तरफ चलते हैं। यही वह गुफा है जहां पर शेर भालू रहते थे। देखिए दोस्तों, यहां पर कितने सारे पर्यटक घूमने आए हैं। यहां पर ये देखो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से गुफा दिखाई दे रहा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बाजू में बेल का घंटा है उसे भी दबाएं।